हीरोइन बात है ठीक है ले कौन घोषणा करेगा जी के कैंडिडेट की ये क्या बात हुई भाई एक आखिरी सवाल इलाहाबाद इलेक्शन का घोषणा हो चुकी है वहाँ पे कैसी है कांग्रेस की स्थिति कांग्रेस की बढ़िया स्थिति है और ये चुनाव हम जीतेंगे ये चुनाव बिना बात के लोगों पर थोपा गया है चुनाव होना नहीं चाहिए था जी। लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुना था 5 साल के लिए लेकिन अब दोबारा चुनाव वहाँ पर हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने तो जो हमारे प्रदेश का हाल किया हुआ है बदहाल किया हुआ है हरियाणा को मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पर चुनाव पूरे दम से लड़कर जीते कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई है कोई गुट की बात नहीं है मिलके लड़ेंगे और अच्छा बढ़िया चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे किसान किसका सपोर्ट करेगी आपको क्या लगता है अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था किसानों के पक्ष देखो किसानों को आप इस तरह से मत समझिए किसान जो भी हैं सभी लोग व्यक्तिगत रूप से सभी समझदार हैं और सब अपना उचित फैसला लेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सबसे पहले राहुल जी ने अपनी ट्रैक्टर यात्रा करके किसानों के प्रति और इन तीन जो काले कृषि कानून हैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और हम किसानों की आवाज़ उठाते रहेंगे सबसे पहले कौन घोषणा करेगा जी ये कैंडिडेट की ये क्या बात हुई भाई तो एक आखिरी सवाल तो मैडम जी मतलब पंजाब में लगातार 4 इस्तीफे हो चुके हैं कल की डेट में मतलब इसके बारे में क्या कहना देखो अभी स्थिति जैसे भी है थोड़े समय से सब ठीक हो जाए मतलब भगदड़ कुछ हुई नहीं भगदड़ की बात नहीं है कभी एम्बिशन किसी का कुछ हो जाता है कोई बात नहीं है सारी स्थिति काबू में आके सब ठीक हो जाएगा किसी को बात ठीक है।